गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट ठीक है थोड़ा सा नर्वस भी होंगे बिकॉज एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर पर मैं आपको बता दूं कोई चिंता की जरूरत नहीं है हाँ थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है ठीक है नो डाउट सभी को होती है जब एग्जाम्स आ जाते हैं थोड़ा प्रेशर भी होता है बट इट्स ओके ठीक है हैंडल योर प्रेशर आप कंसिस्टेंट रहिए ज़्यादा सोचिए मत बस प्लीज़ पढ़ते रहिए ठीक है अभी सिर्फ आपका टाइम होता है होना चाहिए सिर्फ पढ़ने के लिए चलिए यहाँ पर मैं आज लास्ट राउंड रिविजन डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मेथोलॉजी रहने वाली है मेरी तो मैं आपको चार्ट बुक रिविजन का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक है मोस्टली एग्जामिनेशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा ठीक है ऑलमोस्ट चैप्टर भी रिवाइज हो जाए तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन चलिए शुरू करते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको याद भी होंगी मैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिविजन हो जाए ठीक है हाँ कहीं पर मुझे कंसेप्ट समझाने होंगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा एक दो बार रिपीट भी करूंगा जिससे सिर्फ मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जाऊं और सारी चीज़ें बता दूं और आपको समझ में भी ना आए कहीं पर तो वी विल कीप इट एज एज अ ज पेस ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर वन इट से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजन इंडियन सिटीजन नहीं है बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ठीक है गॉट मेरिट टू मिस अंजना एंड एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन कैनेडा ऑन फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो इनकी पांच जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को शादी हुई ठीक है वो भी कनाडा में ही रहती थी एंड शी वाज इंडियन सिटीजन मिस्टर अमित इंडियन सिटीजन नहीं है बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ठीक है एंड ही कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ऑफ जनवरी 2020 ठीक है पहली बार ये टेंथ जनवरी 2020 पता है ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ ये प्रीवियस ईयर नाइनटीन में ये पहली बार इंडिया आए पहली बार लिखा हुआ फर्स्ट टाइम इससे पहले कभी भी इंडिया नहीं आए थे ही लेफ्ट फॉर कैनेडा ऑन ट्वेंटी एट्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि टेंथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को आए ठीक है जनवरी में दस दिन दस तारीख को आ गए जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ट्वेंटी एट्थ जुलाई को कुछ महीने रहने के बाद ट्वेंटी एथ जुलाई को कनाडा चले गए जिस दिन जाते हैं वो दिन भी काउंट होता है जिस दिन आते हैं वो दिन भी काउंट होता है बट प्लीज़ यहाँ पर, प्लीज पर स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं देखिए मान लेते हैं कि ये लोग आए हैं प्रीवियस ईयर नाइनटीन में और हमारे जो एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में वहां पर हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 तो काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जिस दिन आए हैं उस दिन से ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं अरे हमें अपने प्रीवियस ईयर का निकालना होगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए मतलब असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को यहाँ से काउंट करना चाहिए फर्स्ट अप्रैल से ठीक है तो काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो लास्ट ईयर के भी डेज काउंट कर लेते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर में तो प्लीज लास्ट ईयर के मत काउंट कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर के डेज हैं जो अप्रैल से शुरू होता है प्रीवियस ईयर वहां से काउंट कीजिएगा ओके ही रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन दिसंबर ट्वेंटी अच्छा अट्ठाईस जुलाई को एक बार चले गए थे फिर वापस आ गए ठीक है दिसंबर को विद हिज वाइफ टू स्पेंड सम टाइम विद हिज पेरेंट्स इन लॉ फॉर थर्टी डेज अच्छा तीस दिन के लिए फिर वापस आ गए एंड देयर आफ्टर रिटर्न टू कनेडा ऑन थर्टीन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी दिसंबर uh, से थर्टीन जनवरी थर्टी डेज के लिए वापस इंडिया आए और फिर चले गए थे मिलने के लिए आए सिर्फ ही रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑफ हर वाइफ ड्यूरिंग फर्स्ट अप्रैल टी ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन मतलब प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इनको कुछ गिफ्ट मिले हैं अब हम जानते हैं जैसे गिफ्ट की बात होती है तो आई एफ ओ इसकी इनकम बन जाती है ठीक है बट रिलेटिव से मिलता है तो एक्जेम्ट होती है या फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का नहीं है एग्रीगेट में तो भी हम इसको टैक्सेबल नहीं करते ठीक है बाकी केसेज में हम लोगों को पता है

ठीक है आपको पता है सब चीज लिंक्ड है अब तो और अब तो आप इजीली कर सकते हैं ना क्योंकि बिल्कुल हम तो रा, लास्ट राउंड पर हैं बाकी चीजें आपको सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से आते हैं फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज वाइफ थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब देखो लिखा हुआ है फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज वाइफ यानी कि स्पाउस के फ्रेंड से मिला है फ्रेंड से मैं कह सकता हूँ मिला है दिस वुड बी टैक्सीबल तीन लाख पच्चीस हजार तो टैक्सीबल होने वाला है और ये पचास हजार से ज्यादा भी है इसलिए टैक्सीबल हो जाएगा करना क्या है, है हम लोगों को डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए तो दो चीजें करनी है ध्यान से देखिएगा आपको एग्जाम में आप गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो प्लीज क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा लिखा हुआ है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले उसका उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कीजिए और कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल यानी कि तीन चीजें पूछ 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 ली ली इसने स्टेटस लिया टोटल इनकम है और उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा वो भी पूछ लिया है क्लियर है और फिर बी पार्ट लिखा हुआ है विल योर आंसर चेंज मतलब वो फर्स्ट पार्ट के बाद हम करेंगे चलिए ए पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में रिवाइज करिए जल्दी से Uh, हम लोग जानते हैं पहले बेसिक कंडीशंस फिर एडिशनल कंडीशंस बेसिक कंडीशंस याद होंगी आपको कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं वो कहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए अगर वो 182 डेज और मोर 182 याद है ठीक है एक सौ बयासी ठीक है रेजिडेंशियल स्टेटस में 180 मत करिएगा वो डेप्रिसिएशन वाला ठीक है वन है तो अगर वन डेज या इससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में है तो हम रेजिडेंट हो जाते हैं या फिर अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो सिक्सटी डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस लास्ट फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज की कंडीशन ये बेसिक कंडीशन थी बट 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 हम एक बात जानते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं सिर्फ इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं तो हम उनके लिए 60 डेज़ की कंडीशन नहीं देखते हैं हम उनके लिए सिर्फ 182 डेज की कंडीशंस देखते हैं ये बात याद आ गई एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इनकेस अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन अगर इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं एक्सेप्शन में आती है तीन एक्सेप्शन में आती हैं ठीक है एक तो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होता है एक जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाते हैं और एक ये होता है कि वो लोग इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है बट वो विजिट करने के लिए इंडिया आते हैं तो उनके लिए हम सिर्फ वन एटी टू डेज ही देखेंगे उनके लिए सिक्सटी डेज वाली कंडीशन नहीं देखी जाती तो इनके लिए वन एटी टू डेज देखेंगे और दूसरी बात जो अमेंडमेंट आई थी अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर आपकी इनकम ठीक है इंडियन आपकी टोटल इनकम नॉट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉरेन सोर्सेज वाली हटा दीजिएगा तो अगर आपकी एक तरीके से इंडियन इनकम 15 लाख रुपीस से ज्यादा है तो उस केस में आप आपके लिए एक कंडीशन आ गई है 120 डेज भी अगर आप इंडिया में हैं 120 डेज भी इंडिया में हैं प्लस लास्ट फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज भी इंडिया में है तो भी आप रेसिडेंट बन जाते हैं ठीक है याद आ गया तो इनके लिए ठीक है बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन तो इनके लिए वो फिफ्टीन लाख ,00 वाली कंडीशन भी लग सकती है बट क्योंकि फिफ्टीन लाख ,00 तो कहीं से इनकम और आ नहीं रही है कोई इनकम नहीं दी हुई है तो इनके लिए वो 120 डेज वाली भी कंडीशन नहीं लग पाएगी क्योंकि 15 लाख ,00 से ज्यादा की इनकम इनकी नहीं हो रही है ठीक है अदर देन फॉरेन सोर्सेज तो हम इनके ऊपर सिर्फ वन टू डेज की कंडीशन लगा देंगे ठीक है तो आप इस तरीके से लिखेंगे चेक कर लीजिएगा आंसर वन डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड पेबल ऑफ अमित ठीक है सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल बींग एन इंडियन ओरिजन हु कम्स टू विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेट टू बी रेसिडेंट रेसिडेंट कब मानते हैं ओनली वन एटी टू डेज की कंडीशन सिक्सटी डेज की कंडीशन नहीं लगती बट साथ में अगर इनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्सेस फिफ्टीन लाख रुपीज से ज्यादा की है तो इनके ऊपर एक और कंडीशन लग जाती है वन ट्वेंटी डेज की ठीक है प्रीवियस ईयर में 120 ट्वेंटी डेज और लास्ट फोर ईयर्स में 365 सिक्सटी डेज तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इंडिया कितने दिन के लिए थे तो इंडिया ये दो बार आया एक्चुअली इस साल में तो टेंथ जनवरी 2020 को आया बट ये लास्ट ईयर था ठीक है 1920 था तो आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो अप्रैल से काउंट करना शुरू कीजिए ठीक है अप्रैल से काउंट करना शुरू करेंगे अप्रैल मे जून जुलाई ठीक है अट्ठाईस जुलाई तक तो ये काउंट कर लेंगे कितने दिन बच्चे हैं बने हैं और साथ साथ में फिर ये जन दिसंबर में भी आए थे थर्टी डेज के लिए वो भी काउंट कर लेंगे तो इनके डेज बनते हैं फ्रॉम इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रॉम वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी समझ में आगे मैंने अप्रैल से काउंट कराया तो अप्रैल से लेकर ट्वेंटी एट जुलाई तक वन हंड्रेड एंड डेज बने फिफ्टीन फेब्ररी से लेकर थर्टीन सॉरी फिफ्टीन दिसंबर है ये फिफ्टींथ दिसंबर से लेकर थर्टींथ ऑफ जनवरी तक थर्टी डेज बने हैं तो ये वन फोर्टी नाइन डेज हो गया टोटल वन वन नाइन प्लस थर्टी वन फोर्टी नाइन डेज हो गया तो क्या एक सौ बीस दिन से तो ज्यादा है बट क्योंकि इनकी इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा की नहीं है तो इनके ऊपर वन ट्वेंटी डेज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा इनके ऊपर सिर्फ वन एटी टू डेज वाला ही क्राइटेरिया लगेगा तो वी कैन से ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो ये नॉन रेसिडेंट है ठीक है तो आप लोग लिख दीजिएगा प्लीज ये नॉन रेसिडेंट है यहां पर देख लीजिएगा मैंने नॉन रेसिडेंट लिखा हुआ है ठीक है ही वुड बी अ नॉन रेसिडेंट दूसरी बात अब हमें इनकम भी कंप्यूट करनी है अब इनकम भी कंप्यूट करनी है क्योंकि तीन चीजें पूछी थी रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए दूसरा इनकम बताइए तो इनकम इनको दो दो तो रिलेटिव से ही मिली है ठीक है पेरेंट्स ऑफ वाइफ और सिस्टर इन लॉ से मिली है वो तो सब रिलेटिव में आएगा वो तो टैक्सीबल नहीं करेंगे हाँ जो फ्रेंड से मिली और क्योंकि पचास हजार से भी ज्यादा है इसको टैक्सीबल कर दीजिएगा थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वो टैक्सीबल हो जाएगा तो ये की टोटल इनकम आ गई है थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब इसके ऊपर आपको टैक्स भी कंप्यूट करना है ठीक है तो फिर यहाँ पर आप टैक्स भी इसके ऊपर कंप्यूट करेंगे ठीक है ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के ऊपर कौन सा स्लैब रेट लगाएंगे टू पॉइंट फाइव लाख का आई बिलीव वो तो आप इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट कर देंगे अच्छा क्या इनको रिबेट देंगे बिल्कुल भी नहीं रिबेट बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ना तो ये, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोई टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जाना है ठीक है सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है इतनी स्पीड ठीक है क्लास आप लोग बोल नहीं पाएंगे मुझसे अभी चेंज ,00 हाँ, हो जाएगा क्यों क्योंकि अब यहां पर इनको 18 लाख ,00 रुपीस मिल रहे हैं पंद्रह लाख रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं ठीक है 15 लाख ,00 रुपीस से ज्यादा की इनकम हो रही है क्योंकि 325 टैक्सेबल वाला था अब वो 18 लाख ,00 हो जाता है यानी कि अब इनकी इंडियन इनकम एक तरीके से 15 लाख से ज्यादा है इसके इन के ऊपर 120 डेज वाली कंडीशन लग जाएगी अब ठीक है पक्का सब लोग समझ गए 120 डेज वाली कंडीशन लग जाएगी प्लस पिछले चार साल में इनका स्टे 365 डेज था क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इनका पिछले चार साल में मान लेते हैं स्टे फोर हंड्रेड डेज है तो इसका मतलब तो 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 सिंपल or तो सा हमें प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर इनका स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वन है टू डेज होता है तो ऑर्डिनरी अदरवाइज वन डेज से कम है तो नॉट ऑर्डिनरी सबको समझ में आ गया तो इस केस में क्योंकि अब इनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाती है ठीक है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज तो अब ये मेरी 120 डेज वाली कंडीशन में सेटिसफाइड हो गए हैं और लास्ट फोर इयर्स में भी वहां पर ऊपर तो दिया था कि पहली बार इंडिया में आए थे बट इस पार्ट के लिए दिया हुआ है इस पार्ट के लिए दिया हुआ है कि पिछले चार साल में चार दिन थे यानी कि वन डेज वाली कंडीशन प्लस थ्री डेज वाली कंडीशन सैटिस्फाइड होती है ही विल बिकम अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ठीक है उस केस में कितनी इनकम टैक्सीबल करोगे ये दोनों इनकम तो टैक्सेबल होंगे नहीं रिलेटिव से थे मिल रही हैं बट ये इनकम जो 18 लाख की अब इस वाला पार्ट बोल रहा है ये एटीन लाख पूरा टैक्सेबल कर देंगे ठीक है और फिर एटीन लाख पर आप टैक्स भी निकालेंगे ठीक है एटीन लाख के ऊपर आपको टैक्स भी निकालना है ठीक है वो तीनों चीजें आपको निकालनी होंगी ठीक है देख लीजिएगा तो अगर 18 लाख इनकी इनकम है तो फिर ये रेसिडेंट बने हैं बट नॉट ऑर्डिनरी क्योंकि 182 डेज से तो कम है इसलिए नॉट ऑर्डिनरी बने पर रेसिडेंट क्यों बन गए क्योंकि 120 डेज से ज्यादा थे इंडिया में ठीक है ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 149 डेज और लास्ट फोर ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव डेज से भी ज्यादा थे क्वेश्चन में चार सौ दिन दिया गया है और एटीन लाख इनकी इनकम बन जाएगी और अकॉर्डिंगली आप टैक्स निकाल दीजिएगा ठीक है अच्छा मुझे बताइए अगर इनकी एज वैसे तो अभी शादी हुई है बट अगर एज सिक्सटी से ऊपर होती है तो कौन सा स्लैब रेट लगाते हैं सर थ्री लाख वाला नहीं ठीक है फर्स्ट वाले केस में नॉन रेसिडेंट है फर्स्ट वाले केस में नॉन रेसिडेंट है तो आप 2.5 लाख वाला ही स्लैब रेट लगाएंगे बट सेकेंड वाले केस में रेसिडेंट है

ठीक है इन केस कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बेलो क्वेश्चन नंबर टू यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ़ मिस्टर रजनीश अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो यहां पर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर रजनीश का मिस्टर रजनीश इज अ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप Carrying passenger in the international water which left Kochi port in Kerala on 16th August 2020. Following details are made available to you for the previous year 2021. acha अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम लोग बातें जानते हैं सबसे पहले मिस्टर रजनीश इज अटीजन ऑफ इंडिया ठीक है क्रू मेंबर है ठीक है ये क्रू मेंबर है ठीक है ऑफ एन इंडियन शिप तो इस इनके लिए सबसे पहले तो 182 डेज की कंडीशन ही लेते हैं 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लेते हैं तो इनके लिए वन एटी टू डेज वाली कंडीशन लेते हैं दूसरी बार बात हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये क्या होता है जो कैप्टन ऑफ द शिप वो इशू करता है कि आप कितने दिन इंडिया के बाहर थे तो जिस दिन ये वॉय शुरू होती है ठीक है जिस दिन बिगनिंग डेट से लेकर जब ये एंड होती है वो दिन इंडिया के बाहर माने जाते हैं वो एक्सक्लूड करे जाते हैं वो स्टे इन इंडिया नहीं माना जाता तो यहां पर डेट एंटर्ड इनटू टू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सिक्सटीन अगस्त 2020 और डेट एंटर इन टू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ साइनिंग ऑफ मतलब यहाँ पर जर्नी वो एंड हुई तो इट वॉज थर्ट ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आप यहां से लेकर सिक्सटींथ अगस्त से लेकर जो ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन जितने भी दिन काउंट हुए हैं ठीक है इंक्लूडिंग बोथ दीज डेज वो आप एक्सक्लूड करेंगे वो स्टे इन इंडिया नहीं माना जाता ठीक है दूसरी बात इन जून 2020 ट्वेंटी ही हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया टू दुबई ऑन अ प्राइवेट टूर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 27 सेवन डेज ये भी इंडिया में नहीं थे तो ये भी एक्सक्लूड किया जाएगा तो एक तो आप यहां से काउंट करेंगे ठीक है सबसे पहले प्रोविजन लिख देना कि वन एटी डेज वाली कंडीशन इनके ऊपर लगेगी दूसरा सिक्सटीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी जनवरी यहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके माइनस करेंगे ट्वेंटी डेज माइनस करेंगे ठीक है और पिछले चार साल में ये फोर थर्टी डेज थे ठीक है और लास्ट सेवन इयर्स में नाइन थर्टी डेज थे ठीक है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तो हम बाद में देखेंगे पहले देखते हैं रेसीडेंट है या नहीं है तो आप थ्री सिक्सटी फाइव डेज में से ठीक है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन है ठीक है लीप ईयर तो था नहीं फेब्ररी तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज में से ये दोनों चीज़ें माइनस करके देखिएगा इनका नंबर ऑफ़ डेज कितना बना और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वन एटी टू डेज की कंडीशन ही लगानी है एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है एज़ पर सेक्शन सिक्स हम इनके लिए वन एटी टू डेज़ की कंडीशन लगा देंगे ठीक है अगर आपको सेक्शन सिक्स याद ना रहे इनकम सेक्शन सिक्स एग्जाम में तो इट्स ओके ठीक है आप सिर्फ प्रोविजन ही लिखिएगा ठीक है कि वन एटी टू डेज और मोर अगर इंडिया में है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो ये रेसिडेंट हो जाते हैं सिक्सटी डेज वाली कंडीशन नहीं लगानी इनके लिए ठीक है और अगर ये एलिजिबल वॉच पर है ऑन अ फॉरन बाउंड शिप तो इनके लिए हम कंटेनस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की डेट्स देखते हैं वो एक्सक्लूड कर देंगे तो कंटेनस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की डेट यहाँ से शुरू हुई सिक्सटीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी जनवरी तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज काउंट करें टोटल आया वन डेज ठीक है और साथ साथ में ये ट्वेंटी सेवन डेज भी दुबई में थे वो भी हटा दीजिएगा तो वन फिफ्टी नाइन भी हटा दीजिए ट्वेंटी सेवन भी हटा दीजिएगा तो थ्री सिक्सटी फाइव में से हमने ये दोनों जब

टली विद हिज वाइफ एंड वन चाइल्ड परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ फॉर एक्सटेंडिंग हिज रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑफ गारमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इन दर टू थाउजेंड फोर्टीन अच्छा टू थाउजेंड फोर्टीन में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये इंडिया से बाहर चलेगा परमानेंटली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ गारमेंट्स इन इंडिया अच्छा इनका इंडिया में भी एक बिजनेस चल रहा था वो ऑस्ट्रेलिया से ही मैनेज करते हैं अभी है.

ये तो 26 लाख तो ऑस्ट्रेलिया में राइज हुई तो है तो फॉरेन इनकम है बट 18 लाख वाली इनकम तो इंडियन इनकम है ना और 15 लाख से याद कर लीजिए 15 लाख से ज़्यादा है 15 लाख से ऊपर जा रही है ये इनकम इनके ऊपर वो 120 डेज की भी कंडीशन लग जाएगी अगर इनका स्टे 120 डेज इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और पिछले चार साल में थ्री डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में होता है तो भी ये रेजिडेंट बन जाएंगे चलिए देखते हैं लिखा हुआ है ही हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटसम इन हिज हैंड्स फॉर द असेसमेंट इज हैंडर की दो चीजें निकालनी है एक तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना पड़ेगा और दूसरा कितनी इनकम इनकी टैक्सेबल होती है ठीक है तो सबसे पहले हम इनके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं 120 डेज वाली ठीक है तो यहां से प्लीज नंबर ऑफ डेज जरा काउंट कर लीजिएगा सितंबर से लेकर फर्स्ट जनवरी सितंबर तो पूरा आएगा सितंबर तो पूरा, तो पूरा 30 डेज अक्टूबर थर्टी नवंबर थर्टी दिसंबर थर्टी वन जनवरी का एक दिन तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रोविजन लिख दीजिएगा ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिएगा और फिर पिछले चार साल के भी क्योंकि 2014 से आ रहे हैं इसी पीरियड में तो जितना इस पीरियड का आएगा इन टू फोर कर दीजिएगा पूरे पिछले चार साल का भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितने दिन इंडिया में थे जरा देख लीजिएगा सोल्यूशन सबसे पहले तो प्रोविजन लिख दीजिएगा वन डेज वाला ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ डेज काउंट किए हमने फर्स्ट सेप्टेम्बर से लेकर फर्स्ट जनवरी तक तो वो आए वन ट्वेंटी टू डेज ठीक है दिस इज वन ट्वेंटी टू डेज वो इंडिया में थे प्रीवियस ईयर मतलब एक सौ बीस से ज्यादा आ रहे हैं साथ साथ पिछले चार साल भी देख लीजिएगा पिछले चार साल हम ये वन ट्वेंटी डेज वाली कंडीशन इनके ऊपर क्यों लगा दी बिकॉज इनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्स ठीक है टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्स जिसको कॉमनली हम लोग इंडियन इनकम भी बोल देते हैं वो फिफ्टीन लाख ,00 से ज़्यादा आ रही है इसलिए इनके ऊपर वो वन ट्वेंटी डेज वाली कंडीशन लग जाती है तो लास्ट फोर इयर्स में वन ट्वेंटी टू इंटू फोर कर दीजिएगा वो भी आता है फोर एटी एट आ जाएगा यानी कि लास्ट चार साल में भी थ्री सिक्सटी फाइव डेज से ज्यादा थे तो ही विल बिकम अ रेसिडेंट बट प्लीज बताइए कैसे रेसिडेंट बनेंगे ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी सर रेसिडेंट तो बन गए बट नॉट ऑर्डिनरी बन पाएंगे क्योंकि ऑर्डिनरी बनने के लिए तो वन एटी टू डेज चाहिए कम से कम इंडिया में बट इंडिया में इनका वन ट्वेंटी टू डेज ही रहा तो इसलिए ये बनेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है क्योंकि इनका वन एटी टू डेज से ज्यादा स्टे नहीं था तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेंगे ठीक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और कौन सी इनकम इनकी टैक्सेबल हो जाएगी जो इनकम ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल इनकम तो टैक्सेबल होगी नहीं पक्का क्योंकि अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते तब तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है बट नाउ ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो ऑस्ट्रेलियन इनकम तो टैक्सेबल मत करिएगा क्योंकि वो तो इंडिया में राइस भी नहीं हुई रिसीव भी नहीं हुई ऑस्ट्रेलियन इनकम को तो छोड़ दीजिएगा बट जो इनकी इंडियन इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल तो दो चीज़ें क्वेश्चन ने पूछी थी रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए वो बता दिया ठीक है प्लीज़ इस पर बहुत मैं कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है ठीक है प्लीज आप आधा आंसर मत देकर आइएगा जो चीज़ें क्वेश्चन ने पूछी है वो वो सारी चीज़ें कोट कीजिए जिससे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप लोग ले पाए एग्जाम्स में अपने तो टोटल इनकम इनकी एटीन लाख आएगी टैक्स निकालने के लिए नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में ठीक है ओके कम टू क्वेश्चन नंबर फोर इट सेस द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मोहित शर्मा ए सटीजन ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन और इनकी कुछ वन टू थ्री इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आप देख लेते हैं एग्जाम्स में आते हैं ठीक है तो हमें एक एस एस सी है मोहित शर्मा तो इनकी कुछ छः सात पाँच छः तरह की इनकम दी गई है और पूछा गया है कि वो टेक्सीबल होगी या नहीं होगी और कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई निकालनी है मोहित शर्मा की ऐसे resident, resident so, क्वेश्चन हम अक्सर देखते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है अब ये छह तरह की इनकम जो दी गई है उनको आपको लिखना होगा साथ में टेबल बना लीजिएगा एक, एक तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का और बताते रहिएगा क्या ये दोनों केसेस में टेक्सीबल होगी दोनों केसेस में होगी होगी या किसी एक केस में फिर हम उसका जी टी ए आ जाएगा चला तो देख लेते हैं किस तरह की इनकम आ रही है तो हम लोग जानते हैं जो भी इनकम अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इतना तो बात सब लोग समझते हैं अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है फर्स्ट केस में तो इनकी ग्लोबल इनकम टेक्सीबल होने वाली है इनकी ग्लोबल इनकम विच अराइज इन इंडिया और डीम टू अराइज इन इंडिया रिसीव या डीम टू रिसीव इन इंडिया और साथ साथ में विच नॉट अराइज नीदर अराइज नॉर रिसीव वो भी टैक्सीबल हो जाएगी बिकॉज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बट अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इनकी सिर्फ इनकम जो इनकम अराइज होती है इंडिया में या फिर वो रिसीव होती है इंडिया में या फिर अराइज नहीं होती रिसीव नहीं होती बट कंट्रोल होती है इंडिया से वो भी टैक्सेबल हो जाती है ठीक है कंट्रोल अगर होती है इंडिया से वो भी टैक्सेबल हो जाती है ये बात आप जानते हैं याद आ गया सारी बातें आपको अच्छा अगर नॉन रेसिडेंट होता अगर नॉन रेसिडेंट का भी पूछा होता तो फिर कंट्रोल वाला नहीं लेते हैं सिर्फ अराइज इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया ही देखते हैं डीम डीम टू टू रिसीव रिसीव ठीक है उस केस में कंट्रोल वाला नहीं देखते हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो कंट्रोल इफ इट इज नीदर दराइजिंग नॉट गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया उस केस में टैक्सेबल कर देते हैं जरा देखते हैं कौन कौन सी इनकम है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया टू लाख बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लंडन सिक्सटी थाउजेंड वर रेमेटेड टू लंडन मैं आपको बता दूँ ये वाली सारी बातें बेकार की बातें हैं क्योंकि जैसे ही हमें पता चला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया इसका मतलब अराइज इन इंडिया हो रहा है तो कितना पैसा इंडिया में मिला नहीं मिला या इंडिया के बाहर मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये बिजनेस इंडिया में है तो इट इज़ अराइजिंग इन इंडिया पूरा टू लाख रुपीज टैक्सेबल कीजिएगा चाहे ना तो भी हम टैक्सेबल कर देते हैं ठीक है पूरी रुपीस इसके एक बार फॉर्मेट भी देख लीजिएगा आप इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। आप यहां पर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो जितनी भी इनकम है वो बताइए और बताइए कि अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी और नॉट ऑर्डिनरी है तो टैक्सीबल होगी या नहीं होगी तो हमें पता है क्योंकि ये कंट्रोल हो रही है लंडन से बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया में राइज हो रही है ठीक है इंडिया में राइज हो रही है तो दैट इज द रीजन ठीक है यहाँ पर आप आ, एक लाइनर लिख सकते हैं ठीक है थीके? बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एग्जाम में एक लाइन लिख सकते हैं आप एक या दो लाइन कि आप क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं ठीक है बिकॉज इट इज़ अर इन इंडिया दैट इज़ द रीजन वी आर टैक्सीबल वी आर मेकिंग इट टैक्सेबल ठीक है टू लाख टू लाख टैक्सेबल कर दीजिएगा दोनों ही केसेस में ठीक है अगर ऑर्डिनरी है तो भी नॉट ऑर्डिनरी है तो भी सेकेंड प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अर्न इन जैान अब देखो बिजनेस जैपान में इंडिया में कंट्रोल तो नहीं हो रहा है हाँ बट ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है ठीक है नॉट ऑर्डिनरी के लिए शायद हम नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में अराइज नहीं हो रही है बट फिर भी देख लेते हैं कहीं रिसीव वगैरा तो नहीं हो रही है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अर्न इन जैान सेवेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड वर रिस इन इंडिया ट्वेंटी थाउजेंड तो पता पक्का पता चल गया नॉट ऑर्डनरी के लिए टैक्सेबल होने वाला है बट आगे लिखा है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है इसका मतलब पूरा का पूरा ही अमाउंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होने वाला है तो सेवेंटी थाउजेंड ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है कोई डाउट नहीं है नॉट ऑर्डिनरी के लिए इसने टैक्सेबल किया क्योंकि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो रही थी ठीक है अगर ये नॉन रेसिडेंट के लिए आप मुझसे पूछते तो फिर मैं सेवेंटी थाउजेंड पूरा नहीं करता इंडिया में कंट्रोल नहीं होती नॉन रेसिडेंट के लिए फिर क्या करते अगर इंडिया में अराइज हो रही थी इंडिया में अराइज नहीं हो रही जापान में हो रही है अगर इंडिया में रिसीव हो रही थी तो नॉन रेसिडेंट अगर होता हमसे पूछता तो मैं सिर्फ ट्वेंटी ही लेता नॉन रेसिडेंट के लिए क्योंकि जो इंडिया में रिसीव हो रहा है ठीक है आई बिलीव ये क्लियर है अनटेक्सड पास्ट इनकम पिछले सालों की कोई इनकम है इस साल को वो रिलेट नहीं करती किसी के लिए भी टैक्सेबल मत कीजिएगा ठीक है हमें प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये टैक्सेबल मत कीजिएगा निलनेल देख लीजिएगा मैंने लिखा हुआ है अनटेक्सड इनकम यह पास इनकम होती है इस साल की इनकम नहीं है दोनों ही केसेस में ऑर्डिनरी हो नॉट ऑर्डिनरी हो नॉन रेसिडेंट हो टैक्सेबल मत कीजिएगा ओके रॉयल्टी ऑफ रूपीज फोर लाख रिसीव फ्रॉम मिस्टर अरुण अ रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया अब ये सी जो है मोहित शर्मा इनको रॉयल्टी मिली है फोर लाख रुपीज की किससे मिली है अरुण से मिली है ठीक है अरुण रॉयल्टी इनको क्यों देता है क्योंकि उसका कोई बिजनेस है ठीक है कोई टेक्निकल सर्विस इनको प्रोवाइड की गई थी और उसका बिजनेस है आउटसाइड इंडिया ठीक है उसका आउटसाइड इंडिया का बिजनेस है अब प्लीज बताइएगा ठीक है फोर लाख रुपीज ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि उसकी तो ग्लोबल इनकम है तो ऑर्डिनरी के लिए तो हमेशा खींचेगा बट क्या नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल कर पाएंगे द आंसर इज नो ठीक है आपको पता होगा हम लोग बातें करते थे इंटरेस्ट की रॉयल्टी की फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की ठीक है आपने शायद एक चार्ट बनाया होगा जब आपने रेसिडेंशियल स्टेटस किया होगा हम लोग जानते थे कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं ठीक है ऐसा पैसा ठीक है इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक्सेक्ट्रा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं तो हमेशा टैक्सेबल करते हैं फिर अगर मान लेते हैं कि हम एक ऑर्डिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है और हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है ठीक है चाहे वो रेसिडेंट से मिल रहा है नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है बट उसका बिजनेस इंडिया के बाहर है अगर उसका बिजनेस इंडिया के बाहर है तो ये इंडिया में अराइज नहीं माना चाहता इट डज नॉट डीम टू अराइज इन इंडिया तो इस केस में फोर लाख रुपीज ऑर्डिनरी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है उनके लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए प्लीज मत कीजिएगा आई बिलीव आपको ये बातें याद आ गई होंगी मैं और डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज लास्ट राउंड रिविजन है तो यहाँ पर मैं अभी, तो अभी इतना ही डिस्कस करूंगा ऑल हम इसको रेगुलर लेक्चर में तो बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं बट राइट नाउ अभी इतना ही एग्रीकल्चर इनकम ऑफ नाइन थाउजेंड सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम होती है नहीं जी इंडिया की जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया अगर इंडिया से आए तब तो एग्जेम्ट होती है आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होती है तो भूटान से इनकम आ रही है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टेक्सेबल कीजिएगा यहाँ पर एक गलती हो सकती है कुछ स्टूडेंट से वो एग्रीकल्चर इनकम का नाम देखते हैं एग्जाम बोल देंगे प्लीज याद रखिएगा इंडिया से अगर एग्रीकल्चर इनकम आती है तो एग्जेट है आउटसाइड इंडिया से आ रही है तो टैक्सेबल कर लीजिएगा भूटान श्रीलंका यूएस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कहीं से भी आए टैक्सेबल खींचेगा ऑर्डिनरी तो टैक्स देने वाला है इसके ऊपर क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी ठीक है नाइन्टी थाउजेंड पर बट नॉट ऑर्डिनरी नहीं देगा क्योंकि ना तो ये इंडिया में अराइज हुई ना रिसीव हुई ना ही कंट्रोल वगैरह होती है तो उसके लिए नल लिख दीजिएगा आप ठीक है नाइनटी थाउजेंड सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए देख लीजिएगा नाइनटी सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए है बाकी के लिए नल है लास्ट ईयर रेंट ऑफ रुपीज सेवेंटी थ्री थाउजेंड फ्राम हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ दुबई अब देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है दुबई में डज नॉट अराइज इन इंडिया और डिपॉजिट भी दुबई में होगी मतलब रिसीव भी इंडिया में नहीं हुई तो क्या इसको टैक्सीबल करेंगे नॉट ऑर्डिनरी के लिए तो नहीं करेंगे ठीक है नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं करेंगे बट ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सीबल है उनके लिए कर देंगे कितना सेवेंटी थ्री नहीं सेवेंटी थ्री मत करिएगा यहाँ पर एक और गलती हो सकती है स्टूडेंट से वो पूरा सेवेंटी थ्री लिख लेंगे

माइनस थर्टी परसेंट खींचेगा फिर टैक्सेबल खींचेगा ऑर्डिनरी के लिए बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि टैक्सेबल नहीं है अराइज नहीं हो रही रिसीव नहीं हो रही तो देख लीजिएगा मैंने सेवेंटी थ्री थाउजेंड पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर माइनस थर्टी परसेंट करने के बाद फिर फिफ्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड लिखा है ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है दैट इज द रीजन वी आर टैक्सिंग दिस अमाउंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए नैर फिर आप इनका टोटल करके बता दीजिएगा कि जी कितना आया यहाँ पे एट लाख एलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड और वहां पे टू लाख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो आई बिलीव आपके काफी मेजरली कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के एक बार जरा मैं फटाफट फड़ दो तीन मिनट लगाकर आपको चार्ट बुक से और रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से बहुत जल्दी करेंगे इसको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ठीक है हमें पता है जब रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं हम लोग तो इंडिविजुअल के अलावा दूसरे एच यू एफ है पार्टनरशिप फर्म है कंपनी है वो भी देखते हैं बट मेनली इंडिविजुअल के लिए ठीक है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे देखते हैं हम लोग पहले तो बेसिक कंडीशन चेक करते हैं डेज की बेसिक कंडीशन चेक करेंगे या फिर सिक्सटी डेज

आउट ऑफ टेन कम से कम दो में रेसिडेंट हो ठीक है मस्ट बी रेसिडेंट इन टू आउट ऑफ टेन ठीक है ये बात आपको एडिशनल कंडीशन में देखती है और एडिशनल कंडीशन अगर दोनों सेटिसफाइड है तब तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी बट कुछ लोगों के लिए हम लोग वन ट्वेंटी डेज भी देखते हैं ये सिक्सटी नहीं देख के वन ट्वेंटी डेज देखते हैं ठीक है वहां पर क्या प्रोविजन है अगर हमारी

डिनरी वन एटी टू डेज और मोर दो ऑर्डिनरी ठीक है और एक और प्रोविजन होता है अगर एक इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम ठीक है अदर देन फॉरन सोर्सेज फिफ्टीन लाख रुपीज से ज्यादा की है और वो किसी भी कंट्री में ठीक है किसी भी टेरिटरी में टैक्सीबल नहीं है तो हम उसको डीम्ड टू बी रेसिडेंट मानते हैं बट नॉट ऑर्डिनरी ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ कैसे देखते हैं अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हंड्रेड परसेंट आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल और मैनेजमेंट हंड्रेड परसेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर नॉन रेसिडेंट अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का कैसे पता चलता है तो फिर एडिशनल कंडीशन लगा दीजिए करता के ऊपर ठीक है कंपनी के लिए कैसे देखेंगे जितनी भी इंडियन कंपनीज होती हैं वो रेसिडेंट मानी जाती हैं फॉरन कंपनीज रेसिडेंट मानी जा सकती हैं अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ठीक है पी ओई एम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है इट्स अ फॉरेन कंपनी तो फिर नॉन रेसिडेंट ही मानिएगा पार्टनरशिप फर्म के लिए ए ओ पी बी ओ आई के लिए बहुत ईजी होता है इनके लिए अगर हंड्रेड परसेंट कंट्रोल इंडिया के बाहर है तब तो नॉन रेसिडेंट और अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट ठीक है ये तो बहुत ईजी होता है और स्कोप ऑफ इनकम तो अभी हमने पढ़ा ही है लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये बात स्कोप ऑफ टोटल इनकम की थी तो मेनली ये बातें हम लोग पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस में तो आई बिलीव आप कभी ये जल्दी से रिवाइज हो गया होगा अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक अब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट